इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी के अंदर इनपुट लैंग्वेज कीबोर्ड की जो लैंग्वेज रहती है इनपुट लैंग्वेज उसको कैसे बदल सकते हैं या फिर कुछ भी भाषा आप कैसे लगा सकते हैं अपने पीसी के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट के ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा यहाँ पर लैंग्वेज, तो बस इतना ही टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने आएगा रीजन्स एंड लैंग्वेज, ये रहा ये वाला ऑप्शन, इस पर जो है आपको टाइप कर देना होगा। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पर एक तो फॉर्मेट वाला ऑप्शन आएगा, लोकेशन वाला ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आएगा चेंज योर इनपुट लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा आएगा चेंज कीबोर्ड, तो इस पर आपको टाइप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे यहाँ पर आपके सामने जर्नल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ऐड करना होगा किसी भी लैंग्वेज को लगाने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, उनकी लैंग्वेज भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप किसी को, यहाँ पर हल्का सा एक आपको प्लस का सा आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर उसके नीचे आपको कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड पर भी आपको जो बिल्कुल उसके नीचे ही जस्ट नीचे ही उस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करें यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, तो इन तीनों पर आपको टिक लगा देना है। इनमें बहुत सारी लैंग्वेज फिर आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर इनको दो तीन को सिलेक्ट करके ओके करके यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसको चेंज करने का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ये रहा कीबोर्ड का प्रीव्यू। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।